के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत लोगों से मिला, तरह तरह के प्रकार के लोग थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि इन लोगों को बताने के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैं अपने माइक से नहीं, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर पाऊँ। उन लोगों का ये मानना था कि उन लोगों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, उनके पास ना ड्रीम था, ना गोल था, ना फोकस क्लियर था, जिसके कारण वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते थे, जिसके कारण वो लोग परेशान होते थे और ढूंढते ढूंढते इरिटेट होने लग जाते थे। फिर उस इरिटेशन से बचने के लिए फनी वीडियोस देखा करते थे, टिकटॉक पे स्वाइप करते करते वीडियोस देखा करते थे, अलग अलग जगह पे कॉमेडी कंटेंट देखा करते थे, और उनको पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने गोल को, अपने ड्रीम को, अपने फोकस को खो दिया है। उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को कब का लात मार दी है अपनी जिंदगी से। और उन्हीं लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैं उन लोगों से क्लियर एंड कट सवाल करना चाहता हूँ। यार मेरे भाई, मुझे एक बात बताना जरा, जिस पल तुझे ऐसा लग रहा था कि तेरा फोकस क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, तेरा ड्रीम ही तुझे नहीं मिला है, तूने क्या अलग अलग स्किल्स को डेवलप करके उनमें से किसी एक में मास्टर बनने की कोशिश करी? क्या तूने कोशिश करी किसी ऐसी जगह पर जाने का जहां तुझे नया एक्सपीरियंस मिले? क्या तूने अपने कंफर्ट जोन को लात मारी? क्या तूने नई किताबों को पढ़ना शुरू करा? क्या तूने अपनी जिंदगी के अंदर दूसरे लोगों की जिंदगी से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करी? क्या तूने इनमें से एक भी चीज यूज करी अपनी जिंदगी को मास्टरपीस बनाने के लिए? अगर हाँ, तो वेल एंड डन, चलते रहे, कंटिन्यू रहे। यही करा है हर एक सक्सेसफुल पर्सन ने, तू भी कर रहा है, डेफिनेटली तेरे को भी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट तू कोशिश कर रहा है। क्योंकि सक्सेस का कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, सक्सेस सिर्फ एक रास्ता नहीं है, एक शब्द है, जिस शब्द तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तुम उनमें से कोई भी एक रास्ता या तो चुन सकते हो या तो बना सकते हो, लेकिन फॉलो करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, सब इंसानों की जिंदगी अलग अलग होती है। तो किसी को फॉलो करने से बेहतर है तुम एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे लोग इंस्पायर हो, जिससे लोग तुम्हारी तरफ प्रेरित हो, तुम इंस्पिरेशन बनो और लोग तुम्हें इंस्पिरेशन मानकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए, जिसके बाद तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने इस जिंदगी में आकर सिर्फ अपनी नहीं, अपने अपनों की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास के हर एक इंसान की जिंदगी बदलने में एटलीस्ट कुछ कोशिश करी है। थोड़ी मेहनत से तुम्हारी, हो सकता है तुम उस ऊपर वाले के वो इंसान हो यार, जिस इंसान के थ्रू ना जाने कितनों की जिंदगियां बदलने वाली है। हो सकता है ऊपर वाला तुम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करे, उसके लिए तुम एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बनो ना, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो लाखों लोगों की मदद कर पाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण वो लाखों लोगों का पेट भर पाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण लाखों लोग अपने सपने पूरे कर पाए। क्यों नहीं बन सकते? एक मास्टरपीस बनने में क्या बुराई है? एक परफेक्ट इंसान होने में क्या गलत है? सिर्फ एफर्ट्स ही तो लगेंगे, और एफर्ट्स अगर तुमने इस उम्र में, इस टाइम पे, इस एज में नहीं लगाए, तो आने वाले टाइम तो वैसे भी तेरा रिग्रेट वेट कर रहा है ना, आने वाले टाइम में तो रिग्रेट कर रहे हो कि तेरा इंतजार कर रहा है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में तुझे रिग्रेट के अलावा फिर क्या मिलेगा? तुझे क्या लग रहा है, आज जो तेरे पास सारे ऑप्शन तुझे दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में सारे ऑप्शन तेरे लिए खुले रहेंगे? भाई टाइम पलटी मारता है, टाइम तुरंत चेंज हो जाता है, तुझे एहसास भी नहीं होगा और तेरी आंखों के सामने सब बदल जाएगा, सब अलग, सब नया, और तुझे जो अपने अंदर मास्टर प्लान बना के रखे होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। उस समय तेरा मास्टर माइंड तेरी हेल्प करेगा, जिस मास्टर माइंड को डेवलप करने के लिए तू अभी एफर्ट लगा रहा है, जिस मास्टर माइंड को डेवलप करने के लिए तू नई नई स्किल्स को डेवलप कर रहा है, जिन मास्टर माइंड को डेवलप करने के लिए तू अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट खुशनुमा बन के अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा है। तू कोशिश कर, रुक मत, अगर तू रुक जाएगा तो थक जाएगा, और थक गया तो आराम करने के नाम पे घर में बैठ जाएगा, और अगर तू घर में बैठ गया तो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, और कंफर्ट जोन में अगर चला गया तो जिंदगी को नर्क बनाता जाएगा। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रेरित कर रहा हूं तुझे, प्लीज मान जा, लेकिन खड़ा हो जा और कुछ ऐसा कर जिसके कारण लोग तुझे इंस्पिरेशन माने एटलीस्ट। तू कुछ ऐसा कर जिससे लोग भले ही तुझे पूजे ना, लोग भले ही तेरे पास आके तेरे पैर ना पड़े, लेकिन हाँ, तुझे जब भी कभी कहीं पे भी देखें तेरे लिए सैल्यूट जरूर करें। किस इंसान के पास भले जिंदगी में कुछ नहीं कमाया इसने, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का एक सोच लेकर चल रहा था ये, और तू इस लायक है, तू कैपेबल है, ये बात तू मुझसे अच्छे से जानता है, लेकिन बता नहीं क्यों डर जाता है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के उठ, मेहनत कर और कुछ ऐसा कर कि ऊपर वाले के लिए तू बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड बन जाए। आज तक लाखों करोड़ों सालों में जो इंसान नहीं कर पाया वो तू करके दिखा, करके दिखा। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर,
और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। मेरी बात हमेशा याद रखना यारों, आपको जिंदगी में सहानुभूति देने वाले लोग तो हजारों मिल जाएंगे जो आपको तसल्ली देंगे आकर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ ठीक होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर कुछ गलत हो रहा है ना, वो तुम्हारी गलती है। उस गलती को सही कर दोगे तो वैसे भी गलत सही हो जाएगा ना यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मेरा ये नया रूप आपको कैसा लगा।